हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका सीटेट के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आफ्टर 20 मई बहुत ही जल्द आने वाला है। इसका एग्ज़ाम होप सो आपका जुलाई और अगस्त में हो सकता है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए। इसी मंथ आपका या इस वीक में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम आज इसमें डिस्कस करेंगे कि आपकी एक सही स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आप पढ़ें कि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो इसके बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो। वो कितने मार्क्स का है, आपको कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, आपकी सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर कर सके। तो आज ये सभी कुछ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इनसे रिलेटेड सभी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सीटेट। इसमें दो एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर वन जो आपका होता है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, एंड सेकेंड पेपर होता है आपका सिक्स टू एट्थ क्लास के लिए। अगर कोई पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसमें पेपर वन होता है, एंड कोई टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए पेपर टू कंपलसरी है। क्लियर? तो हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी सबसे पहले क्या बनती है, कि आप कब एप्लीकेबल हो जाओगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप पेपर वन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपके सीनियर सेकेंडरी में। प्लस उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपके पास 4 ईयर का BLED होना चाहिए। क्लियर? इनमें से आप में कोई एक चीज़ होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी के साथ। या तो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, नहीं तो 4 ईयर का BLED होना चाहिए, अदरवाइज 2 ईयर का स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। और कोई ग्रेजुएशन है, जिस जो ग्रेजुएट है उसके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस वो अपीयरिंग होना चाहिए या पास होना चाहिए 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर ग्रेजुएट है तो आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का अपीयरिंग या फिर पास होना चाहिए 2 ईयर का। क्लियर? अगर हम वहीं पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में आपके पास ग्रेजुएशन प्लस BEd इज़ कंपलसरी। आपका ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स से होना चाहिए, और इसके साथ ज़रूरी है कि आप BEd हों। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आपके पास सीनियर सेकेंडरी है, तो आपके पास उसके साथ 4 ईयर का BLED होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो सीनियर सेकेंडरी में 4 ईयर का BLED इज़ कंपलसरी। क्लियर? तो ये तो था आपका एलिजिबिलिटी, कि आप कब एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, इस बार सीटेट आपका ऑनलाइन मोड है। इससे पहले आपका सीटेट ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, लेकिन अब से ये आपका ऑनलाइन मोड में है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखना कि सीटेट का लेवल अब टफ होता जा रहा है। आपका क्रिटिकल बेस्ड थिंकिंग पे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो मैं कह रही थी कि आपका एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड होगा। क्लियर? पहले ऑफलाइन हुआ करता था, बट अब ऑनलाइन होगा, और आपका लेवल भी पहले से थोड़ा टफ हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन कंपटीशन आपको पता ही है टफ है, ऑनलाइन हो गया तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना है। क्लियर? इसमें होते हैं टोटल 150 मिनट का टाइम होता है, और आपके पास क्वेश्चन भी होते हैं 150। क्लियर? 150 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके लिए टाइम भी आपके पास होता है 150, चाहे वो पेपर वन हो या फिर पेपर टू हो, दोनों में क्वेश्चन नंबर सेम होते हैं और टाइमिंग भी आपका सेम होता है। अब बात करते हैं कि आपको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट कितने मार्क्स की ज़रूरत है। आपको एटलीस्ट 60% सिक्योर करना ही करना है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 60% चाहिए।
इसका मतलब आपको 90 मार्क्स जरूर करना है सिक्योर, क्लियर। और मैं तो आपसे कहूँगी कि आप 120 प्लस का लेके चले टारगेट, कि आप 120 प्लस सिक्योर करें सीटेट में, क्लियर, चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है और वो कितने मार्क्स का आता है, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे, और सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो पेपर वन की बात करें अगर हम, तो उसमें आता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू। इसमें लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू में आपका हिंदी एंड इंग्लिश होता है। आपको ये लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू बहुत ही सोच समझ के फिल करना है जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। आपको लैंग्वेज वन हिंदी रखनी है या इंग्लिश रखनी है, आप अपने हिसाब से देखिएगा उसको। एंड लैंग्वेज टू, देन आपका आता है मैथ, देन आता है आपका EVS। होते बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स है, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, क्लियर। मैथ इसमें आपका रेशियो, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। नाउ पेपर टू, इसमें आपका आता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू, सेम जैसे पेपर वन में होता है हिंदी एंड इंग्लिश। आपको देखना है कि आप लैंग्वेज वन किसको रख रहे हैं, हिंदी को या इंग्लिश को। देन मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ एंड साइंस होता है, अदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सोशल स्टडी और सोशल साइंस होता है, क्लियर। मैथ के स्टूडेंट के लिए मैथ एंड साइंस। एक बात और, आपको इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, CDP के लिए 30 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक के 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 30-30 मार्क्स के होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल मार्क्स उनके होते हैं, मार्क्स भी 30-30, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चंस। सेम पेपर टू की बात करें अगर हम, तो इसमें भी ये 30-30 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैथ और साइंस, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैथ के 30 क्वेश्चंस आते हैं और साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट, ये हो गया 150 मार्क्स का। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है तो CDP लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू ये तो कॉमन रहेगा, लेकिन उनके लिए आएगा सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, क्लियर। 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, 30-30 मार्क्स के, टोटल हो गए 150, क्लियर। और एक प्लस पॉइंट और होता है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप फुल क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, और आपको करने भी चाहिए फुल अटेंड क्वेश्चंस, और आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो सबसे पहले आप मेन फोकस अपना CDP पे लगाइए, क्योंकि CDP के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। डायरेक्ट 30 क्वेश्चंस तो CDP के आते हैं, प्लस हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, EVS हो, सभी में 10-10 क्वेश्चन आपके पैडागॉजी के आते ही आते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट आपका पैडागॉजी होना चाहिए। अगर पैडागॉजी आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर बहुत इजीली हो सकता है। बाकी आपका सब्जेक्ट वो तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही, अगर आपको उसके बेसिक्स पता है, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बस अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। तो ये था सब कुछ CTET के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इनसे रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी, तो आप स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।